फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पोल्ट्री गुरुजी। और मैं इसी तरह से डेली वीडियो अपलोड करता हूं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। आप जब भी हमारी वीडियो देखना चाहें, आपको लिखना होगा पोल्ट्री गुरुजी और हमारी सभी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुर्गे की ब्रीड के बारे में कि जो ब्रॉयलर मुर्गा होता है इसकी कितनी ब्रीड होती है। तो ये तीन ब्रीड होती है। पहली ब्रीड हबर्ड, दूसरी रॉस और तीसरी कॉब। ये तीन ब्रीड होती है, इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इनकी पहचान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हबर्ड की। तो हबर्ड जो होता है उसके जो पैर होते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं और इसकी थोड़ी क्वालिटी कम होती है रॉस और कॉब के मुकाबले। ये थोड़ा फीड ज़्यादा खाता है, थोड़ा उसके मुकाबले वेट कम देता है, लेकिन इसकी आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी। जैसे कॉब 44 रुपये का है तो ये लगभग 4 या 5 रुपये सस्ता आपको मिल जाएगा और ज़्यादा भी सस्ता मिल सकता है आपको ये। और फिलहाल तो रेट्स काफ़ी हाई चल रहे हैं चिक्स के। और दूसरी जो ब्रीड होती है वो होती है रॉस। रॉस बर्ड एक ऐसा बर्ड होता है जिसके पैर लगभग लाल गुलाबी रंग पर होते हैं थोड़े थोड़े, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो एवरेज होती है। ये आप कभी भी पाल सकते हो, ये ज़्यादा घटिया क्वालिटी का भी नहीं होता और ज़्यादा बढ़िया का भी नहीं। इससे बढ़िया केवल और केवल कॉब रहता है। पर सीज़न के हिसाब से देखें तो सीज़न के हिसाब से आप हबर्ड भी पाल सकते हो सर्दियों के टाइम, लेकिन अगर आप एक नए पोल्ट्री फार्मर हो तो आपको कॉब से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप कॉब से शुरुआत करोगे तो आपको बिज़नेस का पूरा आइडिया हो जाएगा, आपको पूरा मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, इस पोल्ट्री फार्म में कैसे आपको चिक्स को रखना है ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी और आपकी मोर्टैलिटी भी कम होगी। अगर आप हबर्ड से शुरुआत करते हो नए पोल्ट्री फार्म की तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये बिज़नेस ख़राब है और आपको ज़्यादा नुकसान भी जा सकता है, क्योंकि हबर्ड में थोड़ी ज़्यादा मोर्टैलिटी होती है कॉब और रॉस के मुकाबले। और कॉब की बात तो मैं आपको बता ही दूँ कि उसके पैर जो होते हैं पीले रंग के होते हैं, येलो कलर में होते हैं, तो इसकी ये पहचान है। और ये वेट भी अच्छा देता है और ये A1 क्वालिटी होता है बिल्कुल बढ़िया, लेकिन ज़्यादा जब गर्मी रहती है तो थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा कॉब ब्रीड में। लेकिन वैसे तो ये सबसे बढ़िया चिक्स है, बढ़िया वेट देता है और FCR भी बढ़िया आती है। और यही तीन जो ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए मुर्गे इस्तेमाल होते हैं यही है। इससे अलग अगर आप देसी फार्मिंग करते हो, देसी मुर्गा अपने फार्म में डालते हो, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है तैयार होने में, और ये लगभग 40 से 45 दिन में लगभग रेडी हो जाता है बिल्कुल। 35 से 40 दिन में इसको आप सेल आउट कर सकते हो ब्रॉयलर मुर्गे को। बस इसका आपको थोड़ा मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसा टेम्परेचर रखना है अपने फार्म में और इसे सर्दी से भी बचाना है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो इसको देसी मुर्गे के साथ तो देसी मुर्गे की काफ़ी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो ब्रॉयलर मुर्गा होता है ये एकदम इसको ठंड लग जाती है, एकदम सर्दी लग जाती है इसको, तो ये परेशानी रहती है थोड़ी। इसको ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सर्दी भी नहीं। तो इसको अगर आप पाल रहे हो तो पहले इसका इंतज़ाम करो अपने पोल्ट्री फार्म में, हर तरह की फैसिलिटी रखो। इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़रूर चाहिएगी अगर आप ब्रॉयलर फार्म खोलना चाहते हो, और साथ ही साथ पानी की अवेलेबिलिटी भी रखनी पड़ेगी। पानी भी आपके पास सही मात्रा में होना चाहिए, वरना आपने अगर पानी का ही इंतज़ाम नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मोर्टैलिटी भी इसमें एकदम हो जाती है ब्रॉयलर फार्म में। अगर वहीं बात करें देसी मुर्गे की तो देसी मुर्गा काफ़ी हद तक सह लेता है, आप ब्रॉयलर मुर्गे से कम फीड भी दोगे उसके तो भी चलेगा वो, और इससे थोड़ा एक्टिव होता है। और इसको अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है और उस टाइम पर भगदड़ मच जाए आपके फार्म में तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है इसकी और इसमें मोर्टैलिटी हो जाती है। वहीं बात करें देसी मुर्गे की तो देसी मुर्गे में ये सब चीज़ें नहीं रहती, वो तेज काफ़ी हद तक एक्टिव रहते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा मोर्टैलिटी भी नहीं होती। तो आज की वीडियो मैंने केवल और केवल आपको ब्रीड्स के बारे में बताने के लिए बनाई थी कि कितनी ब्रीड होती है ब्रॉयलर मुर्गे की। तो कल की वीडियो का इंतजार करें और एक और वीडियो अभी आने वाली है कुछ देर बाद। तो हमारी वीडियोज़ इसी तरह से देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।